वो अपनी आंखों से लगाते हैं और अंदर छुपाते हैं और फौरन ही जवाब आ जाता है क्योंकि हजरत जानते थे कि वो कौन है। और वो जवाब क्या है? बरायद अंदरू मर्दे हकीकत, अंदर आ जा अगर तू सच्चा इंसान है, कि बातें यक नफस हम राज कर दी ताकि तुझसे कुछ राज की बातें कर सकें। लेकिन अगर अबला शबत ऐ मर्दे नादा, अगर तू झूठा है और नादान है तो अज राहे के आमद राज कर दी, तो जिस रास्ते से आया है उससे वापस चला जाए। वो उस कागज को झुक कर चूमता है और अंदर दाखिल हो जाता है। और ये थी उस इश्क की इब्तिदा जो दोनों में सारी उम्र कायम रहा। मन तुम शुदम, मन तुम शुदम, तू मन शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी, ताफस न होयत बाप अजीम, मन दीग रब तू दीगरी, मैं तू हुआ तू मैं हुआ, मैं तन हुआ तू जाम हुआ, ताकि न कोई कह सके तू और है मैं और। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और ये 8 साल का बच्चा कौन था? अमीर अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, एक तुर्की बाप और हिंदुस्तानी माँ की औलाद, जिन्होंने 1225 में पटियाली एटेवा में जन्म लिया। उनकी पैदाइश के फौरन बाद उनके वालिद उनको एक कंबल में लपेट कर एक खुदा परस्त पहुँचे हुए दरवेश के पास ले गए। दरवेश ने उनको गोद में लिया, झुककर उनकी पेशानी चूमी और कुछ दुआएं पढ़ी और फरमाया, ये बच्चा बहुत करामत का होगा और खाकानी से भी 2 कदम आगे तरक्की करेगा। इसकी ऊंची पेशानी ये बताती है ये दुनिया का एक अजीम सितारा शायर और वली होगा, और इसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा हक अल्लाह अल्लाह हु। और ऐसा ही हुआ। खुसरो पूरी दुनिया में एक नायाब शख्सियत है, एक आलम मौसीकार शायर और सूफी, जिन्होंने मजहब और जिन्स का फर्क मिटाकर अलग अलग तहजीबों जबानों मजहबों और रंगों को यकजा अपनी शायरी और मौसीकी में मोतियों की तरह जड़ दी। हर मुल्क में खुसरो खानी होती है जहाँ उनका कलाम सुना जाता है, पढ़ा जाता है और लोग सुनते और पसंद करते हैं और वर्ष में सर ढूंढते हैं। Oh,
11 साल के थे तो उनके उस्ताद ने उनको चार फारसी के लफ्ज मिला के दिए। उस खुसरो ने फौरन एक शेर कह दिया। एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं जा रहे थे, पनघट पे पनघार में पानी भर रही थी। अब खुसरो को लगी बड़ी प्यास, तो उन्होंने पानी मांगा, तो बोले ऐसे नहीं देंगे हम, पहले तुम हमारे चार लफ्ज जोड़ के एक शेर कहो, फिर हम पानी देंगे। खुसरो ने कहा बोलो। एक ने कहा ढोल, दूसरी ने कहा चरखा, तीसरी ने कहा कुत्ता और चौथी बोली खीर। खुसरो फौरन बोल उठे खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से चरखा क्या चलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी हो बजाए। खुसरो ने 4 लाख से ज्यादा शेर लिखे और उनके 5 फारसी के दीवान मौजूद हैं। उन्होंने न सिर्फ फारसी बल्कि हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हाजरीन उन्होंने सिंधी और पंजाबी तक में शेर लिखे। मैं हिंदवी में बहते पानी की रवानी से शेर लिखता हूँ। मेरे सारे शेर, मेरे सारे गीत अपने हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए तोहफा है। मैं दरअसल एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। हाजरी खुसरो तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते थे और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहते थे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उन्होंने हिंदुस्तानी, हिंदवी और फारसी मिला के कई बहुत खूबसूरत गजलें लिखी हैं। उसका एक नमूना आपके सामने हम पेश करते हैं। जिहाने मिस्की मकुन का सोजा
रहा हूँ, मैं शमा की तरह जल रहा हूँ और जर्रे की तरह हैरान फिर रहा हूँ, और हमेशा अपने चांद ऐसे महबूब की याद में रोता रहता हूँ। ना मेरी आंखों में नींद है और ना मेरे जिस्म को चैन है, क्योंकि ना ही वो आया है और ना ही उसने कोई खबर भेजी। माला
तरह जोत से जोत जलाए। बच्चों शायरी को मौसीकी से अलग नहीं किया जा सकता। इन अलग अलग तहजीबों के खजाने से उन्होंने कई नए राग सुर और ईजाद किए, जैसे रंग, मन अमर, नक्श, तराना और कौल, और कई नए साज हैं जैसे ढोल, तंबूरा, अलावा और रुबाब भी उनकी देन है, और यहाँ तक के सितार भी उनका ईजाद किया हुआ है। मैं शहर के पंछियों को गाना सिखा रहा हूँ और उनका फन चमका रहा हूँ ताकि वो दरबार में अपना सर ऊंचा कर सके, जैसे तुमरी खानम जिनको मैंने तुमरी और ख्याल में मारी किया। कमर वाले बूढ़े भी सीधा हो जाते हैं और वैसे